नमस्कार दोस्तों, तो स्वामी 12 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम बात करते हैं और जानते हैं कंफर्म इंडिया प्राइसिंग के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इंडिया तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों स्वामी 12 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका लॉन्च डेट रखा गया है 12 अप्रैल को। यानी 12 अप्रैल को 12 PM ये फोन लॉन्च होने वाला है और इस फोन को अमेजन और मीशो के एप्लीकेशन पर लॉन्च किया जाएगा। फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और डिजाइन वगैरह काफी यूनिक है। आप यहाँ पर देख पाओगे डिजाइन काफी यूनिक रखा गया है। और यहाँ पर जो स्वामी 12 सीरीज है ये पूरा सीरीज इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन सबसे पहले लॉन्च किया जा रहा है स्वामी 12 प्रो स्मार्टफोन को, बिकॉज इनका जो कंपटीटर है वो सारा फोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये फोन काफी अच्छा होने वाला है और प्राइसिंग काफी कम होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिजाइन वगैरह देख पाओगे। डिजाइन इस फोन का काफी इम्प्रेसिव है और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है काफी कम बेजल्स। हालांकि यहाँ पर कर्व डिस्प्ले नहीं दिया गया है, लेकिन बेजल्स काफी कम है जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर हम बात करें कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन का, तो इस फोन में दिया जाएगा 6.73 इंच का 2K सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये भी डिस्प्ले है LTPO डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले में देने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और काफी अच्छा खासा टच सैंपल रेट भी दिया गया है। और देखने को मिलता है 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस जो की आउटडोर विजिबिलिटी के लिए काफी सही हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में भी यूज किया गया स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8th Gen 1। और दोस्तों 8th Gen 1 के साथ इस महीने में और भी कई सारे फोन लॉन्च हुए हैं, जैसे कि OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन हो गया या फिर Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन हो गया। ये सारा फोन 8th Gen 1 पर ही आधारित है, लेकिन इन दोनों का जो प्राइसिंग है उससे कम प्राइसिंग में लॉन्च होने वाला है स्वामी का 12 प्रो स्मार्टफोन। और इस फोन में मिलेगा LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी होने वाला है। 8128 और 12256 GB का ब्रांड देने को मिलेगा। और हम बात करें कैमरा सेटअप का, तो इस फोन का कैमरा काफी इंप्रेसिव होने वाला है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पीछे की तरफ से 50 MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर तीनों कैमरा 50 MP का है। जहाँ पर है मेन कैमरा 50 MP का जो कि आता है IMX707 के साथ, जो कि मेन सेंसर है और आता है OIS के साथ। उसका 50 MP का अल्ट्रा वाइड है, उसका 50 MP का 2X टेलीफोटो कैमरा दिया गया है इस फोन के अंदर। तो कैमरा भी इसका काफी इंप्रेसिव होने वाला है। और फ्रंट में दिया गया है 32 MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर 10G पंच होल के साथ। आप यहां पर देख पाओगे तो कैमरा वाइज भी ये फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे खासे दिए गए हैं। और हम बात करें बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, इस फोन में दिया गया है 4600mAh का बैटरी और देने को मिलेगा 120W का फास्ट चार्जर और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। उसके बाद ये फोन आता है 50W के वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ और 10W के रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ। उसके बाद इस फोन का जो थिकनेस है वो है 8.6 mm का और इसका वेट है 205 ग्राम। तो आपने यहाँ पर इस फोन का फुल स्पेसिफिकेशन जान लिया और लुक वगैरह भी इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें प्राइसिंग का, तो ये फोन लॉन्च होने वाला है 12 अप्रैल को 12 PM में अमेजन और मीशो के एप्लीकेशन पर। इस फोन का प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। स्वामी 12 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 60,000 के अप्रोक्स में, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद ये फोन लेने को मिलेगा 55,000 के अप्रोक्स में, जो कि काफी सही रहता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्वामी कोई भी फोन को लॉन्च करता है तो उसके साथ एक्सचेंज ऑफर भी रखता है। तो एक्सचेंज ऑफर को लगाने के बाद ये फोन आपको जो है 50,000 के अप्रोक्स में रहने को मिलेगा, जो कि काफी सही डील हो सकता है। तो आपने यहाँ पे स्वामी 12 प्रो स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में जान लिया। ये फोन का जो प्राइसिंग है वो 55,000 रुपए के आसपास होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में ही बताना था, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।